दोस्तों बजाज चेतक के बारे में आए दिन मैं बताता रहता हूँ कि अगर आपको सॉलिड बिल्ड के साथ कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ एक मात्र गाड़ी है, दैट इज बजाज चेतक, वो भी प्रीमियम गाड़ी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी गाड़ियां प्रोवाइड करती है फाइबर बॉडी, और फाइबर बॉडी अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि अगर कुछ टूट वूट जाए तो चेंज करने में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता। बट मेटल बॉडी क्या होता है ना, थोड़ा लंबे समय के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है, इसीलिए काफी लोग अब बजाज चेतक भी परचेस कर रहे हैं, और ये चीज आपको देखने को मिल सकती है इनके सेल्स रिपोर्ट में, क्योंकि लोगों को अब बजाज चेतक ज्यादा पसंद भी आ रही है। कहां बजाज चेतक पहले 7वें-8वें स्थान पे होती थी, बट पिछले 3-4 महीने से बजाज कंपनी 3rd-4th ऐसे पोजीशन में बैठी हुई है, और इनकी गाड़ियां अच्छी खासी सेल होती है, और ये एकमात्र ऐसी कंपनी बन चुकी है जो एथर को भी टक्कर दे रही है, जो इस फील्ड में काफी समय से है। बजाज की क्वालिटी तो एक नंबर है, प्लस बैटरी भी अच्छी है, प्लस मोटर भी अच्छी है, और इनकी सर्विस भी अच्छी खासी है, और इन्होंने धीरे धीरे एक्सपांशन भी किया, इसी कारण से इनकी गाड़ियां भी अच्छी खासी सेल हो रही है। लेकिन जब से फेम टू सब्सिडी हट चुकी है और नई जो सब्सिडी स्कीम है उसके अंतर्गत सिर्फ 10,000 का मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है किसी कस्टमर को, तो ऐसे में जो चेतक गाड़ी है उसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जब प्राइस ज्यादा बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि जिनका बजट कम होगा वो फिर बजाज नहीं लेंगे, क्योंकि पहले 1,15,000 में बेस मॉडल आ रहा था एंड वो धड़ल्ले से बिक रहा था क्योंकि वो बजट में था। अब जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो मिडिल क्लास है उसका जो बजट है वो तो भाई उतना ही होता है, तो ऐसे में उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि भैया उस बजट में कौन सी गाड़ी है, अगर बजाज चेतक नहीं तो कोई और सही। ऐसे में बजाज चेतक अपना जो सेल्स का है वो कहीं ना कहीं लूज कर जाएगा आने वाले कुछ महीने में, तो कंपनी ऐसा नहीं चाहती है, कंपनी हमेशा चाहती है कि ग्रो हो। जैसे दूसरी कंपनियां ऐसी ऐसी गाड़ी ला रही है जो बजट में भी हो और उनके सेल्स कंटिन्यू चलते भी रहे, और जो महंगी गाड़ियां वो महंगी गाड़ियां भी रख रहे, यानी जो महंगे वेरियंट्स है वो भी रख रहे, बट सस्ते वेरियंट्स भी ला रहे हैं। तो बजाज चेतक भी अब प्लान आउट कर रहा है कि उनके पोर्टफोलियो में एक गाड़ी वो ऐड करने का जो कि कम प्राइस में होने वाली है, और ये बड़े बड़े जो इनके है बजाज के टॉप के जो है वहां से न्यूज आ रही है कि मई के महीने आपको बजाज चेतक की तरफ से एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर वो भी कम प्राइस में देखने को मिलने वाला है। अभी तक का जो स्वीट स्पॉट माना जाता है वो 1,00,000 से 1,15,000 के बीच में होता है, जहां पे मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हो, और यही पर ही ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी सबसे ज्यादा गाड़ियां लॉन्च करके रखी है। हालांकि दूसरी कंपनियों ने भी गाड़ियां लॉन्च की है, बट अब जब से प्राइस इंक्रीज हुआ है बहुत कम गाड़ियां है जो 1,00,000 से 1,15,000 के बीच में है, तो ऐसे में बजाज चेतक एक गाड़ी पे काफी समय से टेस्ट कर रहा है, दैट इज BLDC मोटर के साथ, और वैसे भी स्पाई भी किया गया, हालांकि वो इमेज नहीं दिखाऊंगा, अगर इमेज दिखाता हूं तो अगेन कॉपीराइट आ सकता है, क्योंकि किसी बंदे की वो पिक्चर है इसलिए मैं नहीं शो कर सकता, बट आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा स्पाई इमेजेस ऑफ बजाज चेतक हब मोटर, तो आपको बकायदा वहां पे इमेज मिल जाएगा। तो इसकी टेस्टिंग काफी समय से चल रही है, तो ये जो गाड़ी, ये जो टेस्टिंग की जा रही थी इस गाड़ी की बजाज चेतक की, वो गाड़ी आपको मई के महीने में देखने को मिल सकती है, और BLDC मोटर के साथ होगी, तो जो प्राइस होता है ना PMSM मोटर का वो काफी ज्यादा होता है, BLDC मोटर होगा तो गाड़ी की प्राइस ऑटोमेटिकली 10,000 से 15,000 रुपए कम हो जाएगी। तो ये गाड़ी जो आएगी बजाज चेतक की तरफ से, इसकी कॉस्टिंग लगभग 1,00,000 से 1,15,000 के बीच होने वाला है, जो प्राइसिंग थी पहले बजाज चेतक की 1.15 अरबा ने 2024 का, उसी स्वीट स्पॉट पे BLDC मोटर के साथ अपनी गाड़ी को यहाँ पे सेट करेंगे, जिससे इनकी सेल्स इंक्रीज हो, और सारे वैरायटी में इनके पास गाड़ी होनी चाहिए, हर स्लैब के हिसाब से गाड़ी होनी चाहिए, जो कि अगेन चेतक काफी अच्छा सोच रहा है, और कंज्यूमर के हिसाब से भी देखा जाए तो यस उनको भी वैल्यूएबल गाड़ी मिलेगी, तो ये काफी अच्छा मूव होगा बजाज चेतक की तरफ से। साथ में इस गाड़ी का जो बॉडी है सुनने में मिला है मेरी तरफ से 100% नहीं है, सुनने में मिला है फाइबर बॉडी के साथ होगी, ना कि मेटल बॉडी के साथ, और जो बैटरी है वो उसको हल्का सा डिग्रेड किया जाएगा, जिसमें आपको मैक्सिमम 100 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली, जो कि आजकल इस प्राइस पॉइंट में मैक्सिमम जो कंपनियां वो 100 किलोमीटर तक प्रोवाइड करती है, तो बजाज चेतक भी ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक गाड़ी लाने वाला है। तो देख सकते हो मार्केट में प्राइस इंक्रीज तो हो गया, बट कंपनियां अलग अलग प्लान आउट के साथ आ रही है कि कैसे उनकी गाड़ियां बिकती रहे, और ओला का तो भाई प्लान आउट सबसे बेस्ट है, बजाज चेतक भी ऐसा कुछ ला रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने रखते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।